रक्तवीर युवा क्लब के तत्वाधान में गोरखपुर पुलिस द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में थैलेसीमिया बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। दर्जनों युवाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा और किया अपना स्वैच्छिक रक्तदान। बस्ती की घटना पर गोरखपुर के चिकित्सकों ने जताया आक्रोश, बैठक कर सीडीओ के कृत्य की कड़े शब्दों में की निंदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरधोइया नाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, कहा रामगढ़ ताल में जाएगा शोधित पानी, पूरी होगी सुंदरीकरण की मंशा, शहर के उत्तरी क्षेत्र को मिलेगा जल निकासी का बड़ा माध्यम। राप्तीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई ताकत बनकर उभरा है भारत, जाति मत मजहब से परे हर पात्र को मिल रहा योजनाओं का लाभ। जनपद में दीवानी न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट के मामले के निस्तारण के लिए 22 से 24 जनवरी व बिजली सिक्के मामलों के निस्तारण के लिए 29 से 30 जनवरी को विशेष लोक अदालत का किया जा रहा आयोजन। अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने नागरिकों से किया अपील, ज्यादा से ज्यादा विशेष लोक अदालत का उठाएं लाभ, विशेष लोक अदालत में आकर मामलों का करवाएं निस्तारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, 200 फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों से कहा न हो किसी के साथ अन्याय, सरकार सबके जीवन में खुशहाली लाने को है संकल्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम में झरना टोला स्थित नीना थापा इंटर कॉलेज में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण एवं संवाद कार्यक्रम में लिया भाग, विकसित भारत बनाने का नागरिकों को दिलाया शपथ, कहा शासन की योजनाओं का हर नागरिक को मिले लाभ, यही है मोदी की गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की रात रेलवे स्टेशन कचहरी बस स्टैंड गोरखनाथ स्थित झूलेलाल रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण, जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का किया वितरण, कहा सभी जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश।